समंदर में जा चुका है, कुछ दरियाओं में जा चुका है। इस वक्त जो एक मेरा एक अंदाजा है, और इस पर मैंने कहा है कि और ज्यादा टेक्निकल काम भी कर रहे हैं, सिर्फ राइट बैंक पे यानी कश्मीर से लेके जो कश्मीर जिला, शिकारपुर जिला, आपका जेकबाद जिला, कंबर शहदाद कोट, लाड़कानो, दादू और फिर जामशोरो तक, सेवन शरीफ जो तहसील है, उस तक इस वक्त 7 से 8 मिलियन एकड़ फिट पानी है। और इसमें सिर्फ मंचर की अपनी जब 123 लेवल होती है ना, तो उसमें 1.2 मिलियन एकड़ फिट पानी होता है। ये तो हमारे पास कैलिब्रेटेड है, हर मंचर की लेवल पे हमारे पास होता है कितना पानी मंचर के अंदर है। जब वो ब्रीचेस कट्स डाले थे और उसके बाद सेवन तहसील की शुरू में 5 यूनियन काउंसिल्स और फिर 2 और 2 भी, इसको अगर ऐड करें तो इस एरिया में सिर्फ 2 मिलियन एकड़ फिट पानी है। और फिर आप इधर से शुरू होते हैं, आप पूरा अंदाजा लगा लें एक एरिया, या आप लोग भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, इतनी मुश्किल चीज नहीं है कि सैटेलाइट इमेजरी से पानी देख लें आप, एवरेज में 3-4 फुट पानी हर जगह पे एवरेज, कहीं के 8-10 फुट है, कहीं फुट होगा पानी का, ये निकाल लेंगे तो यही नंबर आपके पास एक रफली आ जाएगा। ये सारा पानी आपको निकालना है, हमने इंशाल्लाह ताला दरिया में भेजना है मंचूर झील से। इसी तरीके से लेफ्ट बैंक का ज्यादा एरिया है राइट बैंक से भी जो पानी के अंदर है। डेप्थ थोड़ी कम है लेकिन कम से कम इतना ही पानी लेफ्ट बैंक में है। और लेफ्ट बैंक में निकालने का तरीका पानी का, एक तो बदीन के जरिए जो आपकी ईस्टर्न साइड है यानी दरिया से थोड़े दूर डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जिसमें शहीद बेनजीराबाद का ईस्टर्न साइड, फिर सांगड़ जिला, उमरकोट, आपका मीरपुर खास, बदीन, ये सारा पानी जाएगा एलबीओडी के जरिए शकूर ढंड और उससे समंदर में। जो दरिया के करीब डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनका वो निकाल नहीं है, उनको निकालने के लिए हमें जैसे पानी की लेवल फेवरेबल आती जा रही है, हमें वो दरिया के अंदर पानी थ्रू एस्केप्स छोड़ना पड़ेगा और वो पंप आउट करना पड़ेगा। इसलिए फ्लैट एरिया है, नेचुरल ग्रेडियंट नहीं बनता है। पानी निकलेगा कितनी देर में मैं आपको सिर्फ ये बताऊं, अंदाजा दूं, मैंने बताया ना ये राइट बैंक पे, मैंने कहा 7-8 मिलियन एकड़ फिट पानी इस वक्त मौजूद है। कल की तारीख में जो सेवन से 4 ब्रीचेस डाले हुए इंडस पे, इंडस जो एलएस बंद है हमारा उस पे, और उसके अलावा 3 और आउटलेट्स हैं, अड़ल हेड, अड़ल टेल और आपकी दानिस्तर की जो है, इन सबको मिला के कल की तारीख में जो एक अंदाजा और एक कैलिब्रेटेड, बिकॉज वो कट्स पता है कितनी वाइड है, कितना पानी बहता है, एक वेलोसिटी उसकी ये इरिगेशन वाले करते हैं जज, वो था 1,75,000 क्यूसेक्स पानी जा रहा था। आगे चलते हुए पानी ये बढ़ रहा है, जैसे जैसे आज से 3 दिन पहले 97,000 क्यूसिक था, फिर 1.25 लाख हुआ, 1.5 लाख से थोड़ा ऊपर था परसों, और कल 1,75,000 क्यूसेक पानी जो निकला है इन कट से। इससे अगर आप अंदाजा लगाएं, ये पानी अभी 2 लाख तक भी जाएगा जैसे जैसे दरिया का लेवल और फेवरेबल होगा। दरिया भी बहुत सारी, इधर मैं बहुत ही एहतराम के साथ, साइंटिस्ट भी बहुत हैं, इरिगेशन एक्सपर्ट भी बहुत हैं, मतलब और इसमें किसी का कसूर नहीं है, ये बाकी ऐसी है ना, जब बात आती है आईन की तो हर एक आईन ही एक्सपर्ट बन जाता है, जब बात आती है किसी और मसला होता है तो हर एक एक्सपर्ट बन, इसमें भी सब और बड़ी, और हर एक्सपर्ट की राय सर आंखों पे। बड़ी बातें हुई जी, मैं अभी देख रहा था एक चैनल है, उसने बड़ी कहानी चलाई कि मोतबर एक्सपर्ट्स ने बताया है कि ये डुबाया गया है और जल्दी कट डाल देते। वो भाई जब कट डाला था मंचूर में उसके बाद भी 2 दिन पानी खड़ा रहा था, दरिया में नहीं जा सका था, मतलब आप चाह रहे थे कि और डुबोए, अगर 1 दिन पहले भी कट वो आता ना तो दादू नहीं बचता, पानी बिल्टअप हुआ है ना, वो तो कुर्बानी दी है उस एरिया के लोगों ने, जो मुझे अभी सवाल करते हैं सारे के जी अमीर है के कुर्बानी देने के लिए। तो ये बड़ा कैलकुलेटेड चीज होती है, हर एक्सपर्ट के लिए नहीं है ये कर देना। पानी निकाल लेते मंचूर से बहुत पहले, वो भाई मंचूर का डेड लेवल 107.7 108 है तकरीबन, वो डेड लेवल पे थी
अब उन एक्सपर्ट्स को पता नहीं कि क्या पता है इस चीज का, हमल से पानी निकाल लेते, मतलब जादू है ये, पानी बाल्टियों से निकाल के फेंक देते कहीं, एक तरीका होता है निकालने का, लेकिन बहुत ही एहतराम के साथ सारे एक्सपर्ट्स के उस पे कि जो ह्यूमनली पॉसिबल था इस दौर, इस पूरे मॉनसून सीजन में, मैं आपको फिर बताऊं, आपको पहले भी बताया मैंने कि कहते ना आपको पता था इतनी बारिश होनी, हमें कहा था अबव एवरेज बारिश, और अबव एवरेज बारिश का मतलब था कि अगर 100 मिलीमीटर बारिश हमारी एवरेज होती है, ऐसी मैं नंबर ले रहा हूं, 120 के करीब कहते हैं सिंध की, 100 मिलीमीटर होती है तो 20% 30% ऊपर होगी, जितना हमें कहा था उतना ही पंजाब को कहा था अबव एवरेज, पंजाब में 52% ज्यादा बारिश हुई एवरेज से, हमारे यहां 800% अबव एवरेज बारिश हुई है, तो फर्क था ना एक, तो जो हमें कहा गया था और जो थी हमारी प्रिडिक्शंस, उसके तहत मंचर और हमल, और किसी ने अगर बहस करनी, ये वक्त नहीं है बहस का बैठ के, मेरे से ही कर ले थोड़ी बहुत, मैं भी जानता हूं, नहीं तो मैं जहां फेल हो जाऊंगा, जो एक्सपर्ट्स हमें गाइड करें, मैं नहीं ये फैसले कर रहा, मैंने आपको कई बार बताया है, और ये बड़ी बात है कि जी फलाना वडेरा फैसले कर रहा है, फलाना कोई इरिगेशन डिपार्टमेंट फैसला करता है हर छोटे बड़ी कट डालने का या पानी रिटेन करने का, और वो इंप्रूवमेंट हुकूमत करा रही है, लेकिन ये क्वांटम जो पानी का था, ऐसा नहीं था, अगर इतने हमारे पास अल्लाह ताला ने जो है इस बारिश डाली उसके साथ हमें इतना पता होता कि जी किस तरीके से कहां ले जाने, गलतियां भी हुई होंगी इसमें, ये भी मैं कह रहा हूं, ऑब्वियसली इतनी बड़ी कैटेस्ट्रोफी में प्रॉब्लम्स भी होते हैं, लेकिन ये मैं आपको क्लियर करता हूं, और जिस दिन बैठना है मेरे साथ किसी ने, मेरे साथ बैठ जाए और बता दे कि कहां गलती की है, ब्रीच ना डालने में, ब्रीच डालने में, पानी को रोकने में, पानी को छोड़ने में, हाँ मैं अगेन मैं कहता हूं अकुले कुल नहीं है, कहीं की छोटी बड़ी मिस्टेक्स हुई होंगी, ना दानिस्ता मिस्टेक्स हुई होंगी, लेकिन कोई उंगली नहीं उठा सकता, एक्सपर्ट बोलते हैं यार किसी को रोक तो कोई नहीं सकता, ये अभी टेलीविजन चैनल्स भी आपके हैं तो सोशल मीडिया भी आपका है, और कोई कुछ कहेगा उसको सलाम नहीं कर सकते, अभी बड़े बड़े लोग कहते हैं बातें, तो ये क्लियर कर दूं, तो ये पानी पहली मैं इरिगेशन या पानी के बारे में बताना चाहता, क्वांटम पानी का ये है, निकालने का तरीका ये है जिसपे काम हो रहा है, अल्लाह ताला का शुक्र है कि राइट बैंक पे हमारी रिडक्शन हर जगह पे आई है, जो ये सारा पानी भान सईदाबाद का जो रिंग बंद दिया था वो तकरीबन 1 फुट नीचे उधर पानी गया है, परसों मैं खुद भी उस तरफ गया था तब भी पानी उतरा हुआ था, लेवल्स पता चल जाते हैं जहां है उससे, और उससे मजीद कम हो रहा है, दादू दरिया भी ज्यादा फेवरेबल हो रहा है, दादू मोरो पुल पे कल और यानी कल सुबह 6 बजे और आज सुबह 6 बजे में 0.9 तकरीबन 1 फुट का फर्क आया है, 9 डेसिमल 1 फुट का फर्क तकरीबन आया है, तो ये हमें फायदे में जाती चीजें, इसलिए कि फिर ये पानी ड्रेन आउट हो सकता है, अगर ये दरिया का पानी ऊपर ही रहता तो हमें और मुश्किल होती, और हमने उसमें सखर बराज के भी कुछ कनाल्स को कंट्रोल तरीके से खोला है ताकि दरिया को हम फेवरेबल कर सके, जो हम कर सकते हैं, गुड्डू बराज के कनाल्स को भी खोला है हमने कुछ कि पानी, एक तो जो राइस का थोड़ा बहुत फसल बच गया है उसको भी हमने पानी देना है, पैडी का सारी जो फसल आ रही है उसके लिए, तो वो भी हम खोल रहे हैं ताकि हम ये फेवरेबल कर सके ईच एंड एवरी डिसीजन। अब हर एक आदमी डिफर तो कर सकता है ना, मैं नहीं चाहूंगा मेरा गांव डूबे या मेरा घर डूबे, तो मैं तो अपनी एक्सपर्टीज दिखाऊंगा अपनी उस जगह पे बैठा हुआ, लेकिन आप मेरे लिए कम से कम ये नहीं कह सकते और किसी के लिए नहीं कह सकते पूरे सूबे में। हर बहस मुबहसा होता है इधर, मैं रोजाना मीटिंग्स भी कर रहा हूं उसके अलावा भी फोन पे ये जूम के जरिए हमारी मीटिंग्स इस पे होती रहती हैं, कोई ये नहीं कह सकता, और अगर कोई कहता है वो अच्छा मुंह किसी का बंद करने का तो हमारे पास तरीका नहीं है, आप लोग बोले, लेकिन कोई वेरीफाई कर दे कि इधर गलती हुई है, और अगेन ना दानिस्ता गलती हुई है, ना दानिस्ता गलती मैं नहीं कहता, मैं फिर कहता हूं अकले कुल नहीं है, वो उंगली सिंध हुकूमत पे नहीं उठा सकता। हाँ आपने अपने घर बैठ के जो
करना है और सोशल मीडिया पे चलाना है वो चलाते रहे। कैटेगोरिकली कह रहा हूं, वो जो भी एक्सपर्ट्स हैं सर को, जो बड़ी बड़ी बातें हुई भाई पुराने एक्सपर्ट्स को नहीं बुलाया ये वो, उन सारे एक्सपर्ट्स को भी मैं जानता हूं, किसी एक्सपर्ट ने तो नहीं कहा आके जो पुराने थे कि जी ये गलती की है सिंध हुकूमत ने। हाँ, एक्सपर्ट्स के माउथपीस और बने हुए लोग जिनको अलिफ पे भी नहीं पता, खैर उनकी काबिलियत पे किसी वो नहीं, लेकिन माजरत के साथ उनको नहीं पता कि इश्यूज ग्राउंड पे क्या होते हैं। मुझे 2010 का फ्लड भी याद है, खैर वो मैं बहुत ज्यादा डिटेल में चला जाऊंगा अगर बताऊंगा। आपका कोई सवाल होगा इस मामले में मैं बिल्कुल हाजिर हूं जवाब देने के लिए। अगेन मैं रिपीट करता हूं, नादानिस्ता गलती हो सकती है, वो भी मुझे नहीं पता अगर पॉइंट आउट हुई है, लेकिन दानिस्ता तौर पे सिंध हुकूमत ने 2022 के फ्लड्स में हर डिसीशन इरिगेशन डिपार्टमेंट, उसमें हमने आर्मी कोर ऑफ इंजीनियर्स को भी साथ रखा है, उनसे भी मशवरा करते हैं, उसके बाद ली है। और उस डिसीशन जब एक बार फैसला हो जाता है उसमें घंटों लग सकते हैं, दिन नहीं लगते। हाँ, ये नहीं कहता कि वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। सैलाब से हवाले से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि कई मिलियन एकड़ फीट पानी आसमान से बरसा है, सिंध के कुछ इलाकों में 11 मिलीमीटर तक बारिश हुई है। डाउन हो रहे हैं, अल्लाह ताला से दरख्वास्त है, ये दुआ यही है कि और मजीद बरसात ना हो। लेफ्ट बैंक पे जो बरसात हुई है कुछ 2-3 दिन में, उसका भी इफेक्ट हमने देखा है। एलबीओडी पे प्रॉब्लम आ गया था दोबारा, लेकिन फिर वो लेवल्स आज हमने सुबह जो मीटिंग की थी वो रिड्यूस हुए। तो ये पानी की सिलसिले की बात है। हम फेडरल गवर्नमेंट के साथ मिलके रेलवे लाइन जो है उसको भी ऑपरेशनल करने के लिए स्टेप्स उठा रहे हैं, लेकिन उस पर भी यही फैसला किया गया है कि किसी नए इलाके को डुबो के हम कोई चीज नहीं करेंगे। हमारी पूरी कोशिश यह है कि किसी नए इलाके को ना डूबे। तो पहले तो मैं ये इरिगेशन पे थोड़ा सा आपको पता, मैं कर लूं खत्म, तीन मैं चीजों पे बात करूंगा, इरिगेशन, रिलीफ पे थोड़ी सी बात करूंगा, और मैं हेल्थ के जो इश्यूज है ना पे आपसे आगाही देना चाहूंगा, आगे की बात फिर आपके सवाल भी ले लूंगा। कोशिश करूंगा मैं 10-1 मिनट में खत्म कर लूं अपना काम। रिलीफ की जो आपको बता दूं कि इस वक्त सूबाई हुकूमत डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के थ्रू, अच्छा डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी सिर्फ पीडीएमए नहीं होती, डीडीएमएस भी होती हैं जो डिप्टी कमिश्नर्स हेड करते हैं, वो भी अपने तरीके से, उनको भी फंडिंग दी गई है, अभी मुझे वो उनको भी फंडिंग दी गई है, पीडीएमए अपनी प्रोक्योरमेंट करती है। इस वक्त तक पीडीएमए ने अपनी प्रोक्योरमेंट करके 1,75,934 टेंट कल शाम तक या आज सुबह तक समझ लें ये डिलीवर हो गए। एनडीएमए ने शुरू में हमें टेंट्स दिए थे नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी में 10,853, जिसमें बड़े टेंट्स भी थे 1900 बड़े टेंट्स भी थे, वो टोटल मिला के 10,853 टेंट्स दिए थे कि जो हमने डिस्ट्रीब्यूट किए। एनडीएमए ने थ्रू पाकिस्तान आर्मी 21,367 होते हैं कितने होते हैं उतने टेंट्स डिस्ट्रीब्यूट किए। नेवी ने 2586 टेंट्स डिस्ट्रीब्यूट किए, पाकिस्तान एयरफोर्स ने 3,558 और बाकी सोर्सेस से जो हमारे पास डेटा है 1,765 टेंट्स गए, 2,16,073 समझ लें टेंट्स कल तक डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं। ये सिर्फ टेंट्स की बात कर रहा हूं। अच्छा, रिक्वायरमेंट मैं कई बार बता चुका हूं आपको 1.5 मिलियन की इमीडिएट, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। मैं कह रहा हूं मुझे आज 1.5 मिलियन टेंट चाहिए और दिए 2 लाख हैं, तो लोगों की जो किराया है बिल्कुल जायज है, इसलिए कि उनके सर पे छत नहीं है, उनके घर गिर चुके हैं, पहले बरसात में डूबते रहे जब पीकते रहे और अब शदीद गर्मी में वो है, तो वो एहसास है। खैर फिर इसके साथ साथ हमने तरपाल, इसलिए वो भी काम आ जाती है।
अभी तक तकरीबन 1.5 लाख 1,49,060 तरपाल पीडीएमए दे चुका है, 8,500 एनडीएमए ने पीडीएमए को दी थी, मैंने इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया है, वो है 26,000 थ्रू आर्मी दिए हैं और थोड़ी से क्वांटिटीज और लोगों ने दिए, टोटल 1,85,561 तरपाल दे चुके हैं। तो अगेन ये दोनों ऐड भी कर लें तो कोई खास नंबर नहीं है, 4 लाख के करीब बनता है। ठीक है जी, मॉस्किटो नेट्स हम 1.5 मिलियन 1.54 मिलियन 1,541,000 या 1,542,000 तकरीबन दे चुके हैं, जिसमें तकरीबन 12 लाख के करीब पीडीएमए ने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। उसमें मैं शुक्रगुजार हूं फेडरल हेल्थ डिपार्टमेंट का, एनआईएच, और उन्होंने 12 लाख टेंट मॉस्किटो नेट्स उनकी तरफ से आए हमें, टोटल हमने कोई अभी तक 12 लाख डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं, बाकी स्टॉक्स में है हमारे पास। और इसी तरीके से एनडीएमए ने 3,63,000 के करीब मॉस्किटो नेट्स दिए हैं, और नेवी ने कोई 3,000 के करीब मॉस्किटो नेट्स दिए हैं, टोटल 1,542,000 मॉस्किटो नेट्स हुए हैं। और इसकी भी 4.5 मिलियन की हमारी एस्टिमेट है जो देने, हम रोजाना के उसमें दे रहे हैं, इसलिए कि अब आगे जब हेल्थ की बात करेंगे उसमें भी थोड़ा सा इसका जिक्र कर लूंगा। राशन बैग्स हम अभी तक 3,16,000 के करीब डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं पीडीएमए, 7,500 हमें एनडीएमए ने दी थी, उसके अलावा तकरीबन 42,256 एनडीएमए मजीद डिस्ट्रीब्यूट कर चुकी है थ्रू पाकिस्तान आर्मी, 47,175 बैग्स नेवी ने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, पाकिस्तान एयरफोर्स ने 38,591। अच्छा कि मैं आपको बता दूं कि जो फॉरेन एड आ रही है जिसमें जो भी सामान आ रहा है वो भी एनडीएमए डिस्ट्रीब्यूट कर रही है और इन्हीं नंबर्स में शामिल है वो। वजीर अला सिंध मुराद अली शाह मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। सैलाब के हवाले से खसूसी तौर पर गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि कई मिलियन एकड़ फीट पानी आसमान से बरसा है, सिंध के कुछ इलाकों में 1100 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है। मंचर झील का तस्करा करते हुए उन्होंने